बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक हैं, वेल फाइन, बहुत अच्छे होंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक था, हमने लास्ट टाइम जो है इंटरसेक्शन और यूनियन के हवाले से टॉपिक जो है वो क्लियर किया था, और वेन डायग्राम के जरिए जो है हमने सेट्स के ऑपरेशन को डिफाइन किया था। आज हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास है लॉजिक्स के हवाले से, ठीक है ना। लॉजिक्स और स्टेटमेंट के हवाले से जो है फंक्शन को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा लॉजिक के हवाले से, वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक्स। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक्स, तो स्टूडेंट्स इंडक्टिव लॉजिक्स क्या होते हैं? इंडक्टिव लॉजिक्स वो होते हैं जो हम दूसरों से जो है ओपिनियन लेके और उसको मान लेते हैं, उनसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो जो रिजल्ट है वो ठीक है। तो इस तरह के लॉजिक्स जो हैं ये इंडक्टिव लॉजिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को हेडेक है, सर दर्द है, वो क्या करता है कि किसी दूसरे ने उसे ऐसे बता दिया कि यार मुझे भी हेडेक था, तो मैंने डिस्प्रिन की जो टैबलेट है वो यूज़ की है, तो मेरा हेडेक ख़त्म हो गया। तो इसलिए तुम भी ऐसा करोगे, तुम भी ये टैबलेट यूज़ कर लो, तो तुम्हारा भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसने भी वो किया काम, तो वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस तरह से यानी कि ना उसने प्रॉपरली अथेंटिक कोई रीज़न नहीं फाइंड आउट की, लेकिन उसने जो है दूसरे किसी दूसरे से राय लेते हुए, ओपिनियन लेते हुए उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो लॉजिक्स हैं जो हम बहुत सारी दूसरों की राय ले कर अडॉप्ट करते हैं, ये इंडक्टिव लॉजिक्स होते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम किसी स्पेशलिस्ट के पास ना जाएं, जो पर्टिकुलर पर्सन, जो रेलिवेंट पर्सन है किसी भी फील्ड से, हम उससे मशवरा किए बगैर हम वैसे दूसरे लोगों से जो है राय ले लें कि भाई हाँ भी तुम्हारी इस काम के बारे में क्या राय है, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है। और अगर बहुत सारे लोगों की ओपिनियन अगर सेम हो तो हम उसी लॉजिक को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह के जो लॉजिक्स होते हैं जो हम दूसरों की राय लेके एक्सेप्ट कर लेते हैं, इन्हें हम इंडक्टिव लॉजिक्स कहते हैं। तो इसे हम यहाँ पर जो है स्टेटमेंट जस्ट लाइक डेफिनेशन के तौर पर डिफाइन कर लेते हैं कि इंडक्टिव लॉजिक्स क्या है। वी जर्नली draw result from opinion about other about others on the basis of a few contact few contacts only. This way of drawing conclusion is called inductive. तो स्टूडेंट्स यहां पर जो है इंडक्टिव कह लें या इंडक्शन कह लें, यहां पर हमने डेफिनेशन लिखी है, उसमें हमने क्या बात लिखी है कि वो जर्नली फ्रॉम ओपिनियंस अबाउट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्यू कॉन्टेक्ट, कि हम दूसरों के बारे में जो राय देते हैं, कैसे राय देते हैं कि हम उनके बारे में प्रॉपरली जानते नहीं कि वो क्या है क्या नहीं है। जस्ट उनके साथ एक दो मीटिंग करते हैं, एक से दो दफ़ा जब किसी भी इंसान के साथ हमारा इंटरेक्शन हो जाता है तो हम उसके बारे में जो है कमेंट पास करते हैं कि ये बंदा जो है इसकी नेचर ऐसी है। तो अगर हम फ्यू कॉन्टेक्ट्स के लिहाज से जो है किसी बंदे की नेचर को हम डिफाइन कर दें या किसी चीज़ के बारे में हम डिफाइन कर दें, हालांकि हमें उसकी डिस्क्रिप्टिव नहीं पता, हमें एग्जैक्ट फॉर्म नहीं पता कि भी उस बंदे की नेचर कैसी है, यानी कि हम उसे जो है प्रॉपरली स्टडी ना करें और जस्ट विद इन फ्यू कॉन्टेक्ट्स, आप ये कह सकते हैं कि आप कुछ ही कॉन्टेक्ट्स में आप जो है किसी के बारे में कोई ओपिनियन जो देते हैं वो आपकी क्या है, वो इंडक्टिव लॉजिक्स है, ठीक है जी। समटाइम लोग क्या कहते हैं कि भाई हमने क्या किया, एक ही लम्हे में, एक ही मुलाकात में जो है दूसरे को जांच लिया कि बंदे की नेचर कैसी है। तो ऐसा नहीं होता, आप किसी को भी जो है जस्ट एक ही कॉन्टैक्ट में आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि उसकी नेचर कैसी है, ठीक है जी। तो बहरहाल इस तरह के जो लॉजिक्स हैं जिन्हें हम जो है जस्ट वन साइड ओपिनियन के साथ जो है हम उन्हें डिस्क्राइब कर दें, तो ऐसे जो लॉजिक्स हैं ये हमारे पास इंडक्टिव लॉजिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्टिव लॉजिक्स।
डिडक्टिव लॉजिक्स क्या होते हैं? इन सिंपल डिडक्टिव लॉजिक वो होते हैं जो हम किसी, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो हम उससे रेलिवेंट पर्सन के पास जाके जो है उसका जो सोल्यूशन है वो डिस्कवर करें। यानी कि अगर हमें कोई बीमारी है तो हम डॉक्टर के पास जाकर उसका सोल्यूशन डिस्कवर करते हैं। अगर हमारा कोई लड़ाई झगड़े का कोई प्रॉब्लम है तो हम डेफिनेटली पुलिस से हेल्प लेते हैं या हम लॉयर से हेल्प लेते हैं। तो इस तरह से इनके जब हम किसी अथेंटिक पर्सन के पास जाते हैं ना जो किसी भी प्रॉब्लम के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो उस तरह के जो फिर उनसे जो हम लॉजिक्स ड्राइव करते हैं वो डिडक्टिव लॉजिक होते हैं, क्योंकि उनमें हम जो है रियलिटी को फेस कर रहे होते हैं। उसमें हम अपनी तरफ से कुछ मफरूजे या ऑब्जर्वेशन नहीं ले रहे होते। जो अपनी ऑब्जर्वेशन से हम रिजल्ट कंक्लूड करते हैं वो जो रिजल्ट्स होते हैं वो इंडक्टिव हैं, जो हम अथेंटिक लॉजिक्स के ऊपर अथेंटिक रीजन से जो रिजल्ट जो है वो कंक्लूड करते हैं, जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं वो जो कंक्लूजन होता है उसे हम डिडक्टिव लॉजिक कहते हैं। तो डिडक्टिव लॉजिक की यहाँ पर जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, द वे ऑफ रीजनिंग that is drawing conclusions from premises believed to be true. Is called deduction. जी ये जो हमारे पास डेफिनेशन है जिसमें हमने ये बताया है कि द वे ऑफ रीजनिंग दैट इज ड्राइंग कंक्लूजन, जिससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव टू बी ट्रू, के वो प्रीमिसेस यानी कि वो लॉजिक्स वो वजूहात जिन्हें हम ट्रू मान रहे हैं जिन्हें हम सच मान रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसे कहते हैं भाई हमें अगर फीवर है तो फीवर की मेडिसिन दें, तो हम इस बात की यकीन दहानी करके जाते हैं कि भाई डेफिनेटली ये बंदा जो हमें मेडिसिन देगा वो एग्जैक्टली हमारी जो प्रॉब्लम है उससे रेलिवेंट है। ऐसा नहीं है कि हमें जो है फीवर है और वो हमें मेडिसिन दे दे जनाब जी, पेन की कोई दे दे, पेन किलर कोई मेडिसिन दे दे। अगर हमें जो है फॉर एग्जांपल कोई पेन किलर है तो वो हमें जो है वो सर दर्द की, यानी कि फॉर एग्जांपल सर का दर्द है तो वो पेट के दर्द के लिए कोई मेडिसिन दे दे, पेट का दर्द है तो सर के दर्द के लिए दे दे। तो इस तरह की हमारे माइंड में कोई थिंकिंग नहीं होती। अगर हम किसी रेलिवेंट पर्सन के पास जाते हैं जो हमें प्रॉब्लम होता है तो हम उसकी दी गई लॉजिक्स को ट्रू मानते हुए जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वो जो कंक्लूजन है वो डिडक्टिव लॉजिक्स होते हैं, ठीक है ना। यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि अगर हम अपने तौर पे कुछ लोगों से ओपिनियन ले लें या अपने माइंड में वैसे ही कुछ मुलाकातों के जरिए कुछ कॉन्टैक्ट के जरिए हम किसी के बारे में जो रिजल्ट कंक्लूड करते हैं वो इंडक्टिव हो गया, वो इंडक्शन है। और जो हम किसी अथेंटिक बंदे के पास किसी अथेंटिक रिसोर्स से जो है जो नॉलेज गेन करते हैं और उसे हम ट्रू मानते हुए चले तो वो जो लॉजिक्स होते हैं वो डिडक्टिव लॉजिक्स हैं, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी यहाँ पर जो है लॉजिक्स के बारे में, इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में हमारे पास डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी एरिस्टोटलियन एंड नॉन एरिस्टोटलियन लॉजिक्स। जी एरिस्टोटलियन एंड नॉन एरिस्टोटलियन लॉजिक्स क्या हैं? तो दीज आर आल्सो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमारे पास एरिस्टोटलियन लॉजिक्स, इसके आपको नाम से तो लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी मुश्किल से चीज़ है, लेकिन दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ये आपके पास एरिस्टोटलियन लॉजिक्स हम कहते हैं ऐसे लॉजिक्स को कि जिनके बारे में सिर्फ दो ही स्टेटमेंट होती हैं कि वो या तो ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स जिसमें जिनमें हम डिक्लेयर कर दें रिजल्ट
कि ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि यस और नो में आपने आंसर करना है, जिसमें आप डिक्लेयर कर दें कोई स्टेटमेंट को कि वो यहाँ तो ट्रू है या फॉल्स है, यस है या नो है, ऑन है या ऑफ है। तो ये आपके पास दो ही जो स्टेटमेंट होती हैं किसी भी लॉजिक के बारे में, तो उस तरह की लॉजिक्स को हम कहते हैं वो क्या है, एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स। यानी कि हमारे पास कोई मिड वे कोई रिजल्ट ना हो, कोई दरमियाना रास्ता ना निकलता हो किसी भी चीज़ के लिए, कि अगर ये हम ये उसमें ये ना कहें कि भाई ये ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स भी नहीं है, इसमें ये कुछ एम्बिग्विटीज हैं या इसमें जो है कुछ इस तरह के लॉजिक्स हैं कि जिसकी बेस पे हम ना इसे ट्रू कह सकते हैं ना इसे फॉल्स कह सकते हैं। तो ऐसे लॉजिक्स जो होते हैं वो नॉन एरिस्टोटेलियन होते हैं, जिनके बारे में हम ट्रू और फॉल्स के बारे में हम ना बता सकें, लेकिन ऐसे लॉजिक्स जिनके बारे में हम ट्रू और फॉल्स के बारे में इजीली ट्रू और फॉल्स के बारे में हम जो है इजीली बता सकें, यानी कि जिनके लिए दो ही पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हों, उस तरह के लॉजिक्स को हम क्या कहते हैं, वो क्या है जी हमारे पास, एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स हैं। ठीक है जी, एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स और नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स आपको जो है क्लियर हो गए। मैं एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स वो लॉजिक होते हैं कि जिनमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट के दो ही आंसर हैं, हम उसे येस या नो में डिफाइन करते हैं, और सेकेंडली ये कि वो लॉजिक्स जिनमें जो है हमारे पास येस और नो के अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी बनती हो, या ऑन या ऑफ के अलावा हमारे पास कोई थर्ड पॉसिबिलिटी बनती हो, या ट्रू फॉल्स के अलावा हमारे पास कोई थर्ड पॉसिबिलिटी बनती हो, तो इस तरह के जो लॉजिक्स हैं वो क्या होंगे हमारे पास, वो जो लॉजिक्स होंगे उन्हें हम कहेंगे वो एरिस्टोटेलियन लॉजिक हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो है हम मूव करते हैं जी सिंबॉलिक लॉजिक की तरफ। कुछ हमारे पास कुछ यहाँ पर सिंबॉलिक लॉजिक्स हैं। सिंबॉलिक लॉजिक्स, तो सिंबॉलिक लॉजिक्स में हमारे पास जो है डिफरेंट सिंबल्स हैं, और उन सिंबल्स के लिहाज से हमने लॉजिक्स को ड्राइव करना है। डिफरेंट सिंबल्स को हमने कैसे लॉजिक्स में यूज करना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है जी, तो डिफरेंट हमारे पास जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स है हाउ टू रीड, उन सिंबल्स को हमने रीड कैसे करना है, उनके एक्सप्रेशन कैसे हैं, और नेक्स्ट है हाउ टू बी रीड। ठीक है जी, तो पहला हमारे पास सिंबल है नॉट, ये नॉट का सिंबल है, और इसे हम पढ़ते हैं कि ये है नॉट। ठीक है जी, ये पहला जो सिंबल है ये सिंबल है नॉट का, और इसे नॉट पढ़ते हैं। एक्सप्रेशन इसका कैसे यूज होता है, फॉर एग्जांपल नॉट पी, कि कोई स्टेटमेंट हमारे पास है पी, कोई स्टेटमेंट है अगर हमने उसके साथ नॉट लगा दिया तो उसके मतलब है कि पी नहीं है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि नॉट पी, नॉट पी, आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी नेगेशन है, नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ पी का मतलब कि यहां पर जो है पी नहीं होगा, नेगेशन ऑफ पी का मतलब है कि पी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी स्टेटमेंट जो है अगर हमने देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो हम उस स्टेटमेंट के बारे में ये कह देंगे ये ट्रू नहीं है, तो इट मीन्स कि ट्रू के साथ नेगेशन लगा देंगे कि नॉट पी, कि ट्रू नहीं है। ठीक है जी, तो सेकेंड हमारे पास सिंबल है एंड का, ये जो सिंबल है इसको हम एंड रीड करते हैं, और इसको दो स्टेटमेंट, बेसिकली दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है ना, कि हम ये कह सकते हैं कि वो मैच खेलने गया और मैच जीत के आ गया, यानी कि दो डिफरेंट सेंटेंस हैं उनका कंबाइन कर रहे हैं और के साथ या एंड के साथ। तो एंड, और ये हमारे पास एंड, इसको इस ये सिंबल है इसको रीड करते हैं एंड के जरिए, और पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, ये आपके पास जो है इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है, तो P एंड Q, ये हमारे पास इसके जो है ये एक्सप्रेशन इस तरह से हैं, और इसको हम रीड करेंगे P एंड Q। नेक्स्ट है जी हमारे पास और का ये सिंबल है आपके पास, जस्ट लाइक V, V की तरह का इसका सिंबल है,
और इसे और रीड करते हैं, ये भी दो स्टेटमेंट्स के लिए होता है, पी और क्यू, और इसे आप रीड करेंगे पी और क्यू, यानी कि ये हमारे पास जो है सिंबल है, ये इस सिंबल की प्रोनाउंसिएशन है, ये फिर इसका एक्सप्रेशन है कि एक्सप्रेशन में हमने दो स्टेटमेंट को किस तरह से कंबाइन करना है, पी और क्यू ये उसके लिए, और फिर इसको रीड कैसे करना है इसे हम रीड करेंगे जी पी और क्यू। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लीकेशन का सिंबल, ये जो सिंबल है ये इम्प्लाई कर रहा है, इम्प्लीकेशन का है कि इफ देन इम्प्लाई, इफ कोई स्टेटमेंट अगर है देन इम्प्लाई, यानी कि ये जो सिंबल है ये तब यूज होता है कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट है इफ और फिर आगे देन इम्प्लाई। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डेफिनेटली अगर आपको कोई ना कोई डिजीज है तो फिर ही आप जाएंगे ना, इफ यू आर इफ यू हैव फीवर, अगर आपको फीवर है देन यू विल गो टू द देन यू विल कंसल्ट टू द डॉक्टर, ठीक है जी। तो ये इम्प्लीकेशन का सिंबल है, यानी कि अगर आपको किसी किस्म का कोई डिजीज नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है तो फिर तो आप कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे ना। तो ये इम्प्लीकेशन का सिंबल है कि इफ पहले आपने कोई स्टेटमेंट देनी है, ठीक है ना, तो उस स्टेटमेंट से जो इम्प्लीकेशन आ रही है वो आगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी, इफ देन इम्प्लाई। और इसको हम पी इम्प्लाइज क्यू पढ़ते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू इसे पढ़ते हैं, और इफ पी देन क्यू, अगर पी है तो क्यू है, ठीक है ना, यानी कि और इसका इसको रीड कैसे करना है कि अगर पी है, यानी कि अगर पी कोई पॉसिबिलिटी है देन क्यू। समटाइम जैसे हम कहते हैं कि अगर रेनी सीजन है, बारिश हो रही है, तो बारिश होने का जो ताल्लुक है वो बादलों के साथ है, डेफिनेटली अगर क्लाउड्स होंगे तो ही रेन होगी ना, अगर क्लाउड्स नहीं होंगे तो बारिश कैसे हो सकती है, ठीक है ना। तो इफ पी यानी कि इफ देर इज क्लाउडी वेदर, अगर क्लाउड्स हैं देन इट इज रेनिंग, तो फिर बारिश भी हो रही है, ठीक है ना। तो अगर पी वाली स्टेटमेंट यानी कि कोई पहले आप ये कह दें कि स्टेटमेंट जो है कोई भी ट्रू कब होगी, यानी कि पी इम्प्लाइज क्यू कैसे होगा कि अगर पहले उसके लिए कोई ना कोई लॉजिक होगा देन दूसरी स्टेटमेंट है वो एग्जिस्ट करती होगी, कि क्यू जो है वो डिपेंड कर रहा है पी पे, अगर पी होगा तो क्यू होगा, ठीक है ना, इफ पी देन क्यू। और ये लास्ट हमारे पास जो सिंबल है वो ये है जी डबल इम्प्लीकेशन का, डबल इम्प्लीकेशन, इसे हम इक्विवेलेंट का सिंबल भी कहते हैं, इक्विवेलेंट का सिंबल भी कहते हैं, और इसे हम इफ एंड ऑनली इफ भी कहते हैं, इफ एंड ऑनली इफ, ठीक है जी, इसे हम इक्विवेलेंट का सिंबल भी कहते हैं, और इसके लिए हम जो है इफ एंड ऑनली इफ की कंडीशन भी लगाते हैं, यानी कि इसका मतलब है पी डबल इंप्लाइज क्यू, कि पी डबल इंप्लाइज क्यू है, यानी कि इफ पी देन क्यू एंड If Q, then P. यानी कि स्टेटमेंट इस तरह से है कि अगर P वाली स्टेटमेंट है तो Q भी है, और अगर Q वाली स्टेटमेंट है तो P वाली स्टेटमेंट भी है। तो क्लियरली हम यहां पर यह कह सकते हैं, इफ एंड ओनली वाली बात आप इस तरह से कह लें कि फॉर एग्जाम्पल क्लास में जो है दो स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो है स्टूडेंट ए आएगा तो बी आएगा, अगर ए आया हुआ है तो डेफिनेटली बी भी आया होगा, यानी कि उनके दरमियान इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, इतनी क्लोज फ्रेंडशिप है कि हम उनके ए के आने से दूसरे की प्रेजेंस को भी ऑब्जर्व कर लें, कि अगर डेफिनेटली अगर ए स्टूडेंट प्रेजेंट है तो बी भी प्रेजेंट होगा, या अगर हम ये कह देंगे कि बी एब्सेंट है तो फिर डेफिनेटली ए भी एब्सेंट होगा। तो उस केस में जो है डबल इम्प्लीकेशन है कि दोनों एक दूसरे पर टोटली डिपेंड कर रहे हैं, कि पी इम्प्लाइज क्यू है तो क्यू इम्प्लाइज पी है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है किसी जॉब हम करते हैं तो डेफिनेटली अगर जो है जॉब में वर्किंग डे है तो डेफिनेटली हमें जॉब पर भी जाना होगा, और अगर जो है वहां से हमें ऑफ है तो डेफिनेटली जो है हॉलीडे होगा तो हम जो है वहां से ऑफ करेंगे ना, विदाउट हॉलीडे तो हम ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब यह है कि अगर पी होल्ड करती है तो क्यू होल्ड करेगी, और क्यू होल्ड कर रहा है तो पी होल्ड करेगा, तो ये डबल इम्प्लीकेशन है, दोनों का होना यहां पर जरूरी है। और जो सिंपल इम्प्लीकेशन वाला जो सिंपल था ये वाला, इसमें पी का होना जरूरी है, अगर पी होगा तो क्यू होगा, ठीक है ना, और इसमें डबल इम्प्लीकेशन में ये है कि अगर पी वाला इवेंट होगा तो क्यू वाला इवेंट भी होगा, और अगर क्यू वाला इवेंट होगा तो पी वाला इवेंट होगा, ठीक है ना, इनके दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, क्लियर होगी बात। अब जो है मैं इनसे रेलिवेंट लॉजिक्स को यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। ये तो हमने भी सिर्फ देखा कि सिंबल्स क्या हैं, अब इन सिंबल्स से रेलिवेंट जो लॉजिक्स हैं
वो हम देखते हैं जी वो क्या बनते हैं। इन सिंबल्स से रिलेवेंट हमारे पास सबसे पहला लॉजिक है सिंबॉलिक लॉजिक्स में, नंबर वन पे है नेगेशन। नेगेशन, नेगेशन को जैसे अभी हमने सिंबल से रिप्रेजेंट किया, ये आपके पास जो सिंबल है ये नेगेशन का सिंबल है, ठीक है जी। और इसका ट्रुथ टेबल मैं आपको बना के बता देता हूं। इसका ट्रुथ टेबल कैसे होगा कि अगर ये हमारे पास कोई स्टेटमेंट पी है और ये नेगेशन पी है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर पी ट्रू है तो नेगेशन पी क्या करेगा, नेगेशन पी ये कहता है कि पी ट्रू नहीं है, यानी कि सिंपल इसका उल्ट उसने करना है, तो नेगेशन पी ये कहेगा कि ये फॉल्स है, ठीक है जी। और अगर हम कहें कि पी फॉल्स है तो नेगेशन पी का मतलब ये है कि ये ट्रू है। तो ये हमारे पास जो है जो लॉजिक्स है नेगेशन, इसे कहते हैं नेगेशन लॉजिक, यानी कि जो नॉट की रिप्रेजेंटेशन है। ये जो हमारे पास सिंबल है ये नॉट का सिंबल है और ये किसी भी स्टेटमेंट की नेगेशन, यानी कि उसको मनफी करता है, उसको उसकी नेगेशन है। अगर हम कहें कि स्टेटमेंट ट्रू है तो अगर उसके साथ ये नॉट का सिंबल लगा दें तो इसका मतलब है कि फॉल्स होगी, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है उसके साथ नॉट का सिंबल लगा देंगे तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जस्ट लाइक प्लस माइनस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टेटमेंट, अगर आपके पास रिजल्ट प्लस में है आप उसके साथ माइनस लगा दें तो आंसर माइनस में बन जाएगा, और अगर आंसर माइनस में है आप उसके साथ उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर प्लस में हो जाएगा। तो ये जस्ट लाइक वैसा ही है कि नेगेशन का काम क्या है कि आप एक तरह समझ लीजिए माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि पी का आंसर अगर ट्रू है जब इसे नेगेशन से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर फॉल्स हो गया, और अगर पी फॉल्स है इसे नेगेशन से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास नेगेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन बेसिकली ये सिंबल है एंड का, एंड का सिंबल। जब हम दो स्टेटमेंट्स के दरमियान एंड का सिंबल यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं जी कंजक्शन है। तो इसका अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं, ये पी स्टेटमेंट है और ये क्यू स्टेटमेंट है और ये है पी एंड क्यू। हम पी और क्यू स्टेटमेंट्स को हमेशा इस तरह से डिस्कस करेंगे, इनकी चार चार पॉसिबिलिटीज लेके हम इनको डिस्कस करेंगे, फोर पॉसिबिलिटीज आप कैसे लेनी है। फॉर एग्जांपल जो पी वाली स्टेटमेंट है उसमें पहले आप ट्रू और फिर फॉल्स,
जी डिसजंक्शन में हमने क्या करना है, डिसजंक्शन में हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि हमने पी स्टेटमेंट लिख ली ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स जैसे यहां लिखी है, इस तरह क्यू भी लिख ली ट्रू फॉल्स। अब डिसजंक्शन का जो सिस्टम है वो जस्ट लाइक यूनियन है, यूनियन की तरह जब हम दो सेट्स का यूनियन करते हैं तो दोनों के अंदर अगर जो एलिमेंट है यानी कि दोनों अगर एक सेट ए के एलिमेंट है और सेट बी में नहीं है तो वो भी ए यूनियन बी में जाएंगे, और जो एलिमेंट सेट बी के होते हैं सेट ए के नहीं होते वो भी ए यूनियन बी में जाते हैं। तो सिंपल वैसा ही यहां पर सेटअप है कि अगर पी और क्यू दोनों ट्रू हैं तो वो तो एलिमेंट डेफिनेटली यूनियन में जाएंगे ना, तो वो तो आपके पास पी यूनियन क्यू में जाएंगे यानी कि दोनों के डिसजंक्शन में जाएंगे। और पी अगर ट्रू है क्यू फॉल्स है, लेकिन पी तो ट्रू है, पी में फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट मौजूद है, क्यू में अगर नहीं भी है तो फिर भी वो एलिमेंट जो यूनियन में जाएगा। और अगर पी फॉल्स